में बहुत सी बातें हैं जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म और 1991 का एक्ट वगैरह वगैरह, जो बहुत सी बातें जो कारामद हैं, लेकिन जो उसका क्रक्स है, उन्होंने ये तो कहा कि सूट नंबर 4 हम पार्टी डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिफ को दे दी। ये हिस्से हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप दे सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर एडवोकेट धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, और उसके बाद तय करेंगे कि वेदर टू फाइल ए रिव्यू और ना। लेकिन हमारा प्रपोजल है ये, क्योंकि इसमें फाइंडिंग जो है इस पॉइंट पर ख़ासतौर से वो बहुत ही हम समझते हैं अनजस्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसके साथ हमेशा से कहते रहे कि हम रेस्पेक्ट करते हैं इसकी, और पूरे मुल्क के आवाम से यही अपील करते हैं कि वो पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखें। किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई एहतजाज किसी साइड से नहीं होना चाहिए, ना कोई इसके लिए ये सोचना चाहिए कोई डिफीट किसी की है या किसी की विक्ट्री है। तो दैट वी हैव ऑलवेज सेड एंड टुडे आल्सो वी रिटेट इट। इसमें ये हम इसको न इक्विटी मान सकते हैं ना जस्टिस मान सकते हैं, फिर भी हम इसके बारे में जो कुछ लीगल रेमेडी होगी वो उसके बारे में तय करेंगे, बाद में आपको बताएंगे। आज तो इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस उसमें आए, उसमें बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो चीफ जस्टिस ने प्रोनाउंस किया, जजमेंट सुनाया, उसके अंदर बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं मुस्तकबिल में। इस सेकुलर स्ट्रक्चर को कायम रखने में ये जजमेंट कहीं किसी हद तक हमारा पूरे मुल्क के लिए मददगार हो सकता है। तो हम हर पार्ट को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट उसका जहाँ की फाइंडिंग दी गई है, ख़ासतौर से जो फाइंडिंग इस बात की दी गई है कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन माना गया 1528 अमीर बाकी, जब अमीर बाकी से कह दिया तो 1528 हो गया, और 1857 के बाद के ये कहा गया कि इसके बाद की तो एविडेंस मिलती है, इससे पहले की एविडेंस नमाज पढ़ने की नहीं मिलती। अब मैं इसको कुछ और नहीं कह सकता, लिख कर ही इस बात को कहूँगा, जो कुछ मैं कहना होगा कि जो चीज़ें आप रिलाई कर रहे हैं, टाइफन थेलर का जो ट्रैवलर्स अकाउंट रिलाई किया आपने, और उस टाइफन थेलर के ट्रैवलर्स अकाउंट में अगर ये लिखा है कि ये मस्जिद 3 गुंबद वाली बनाई गई, तो मस्जिद के लिए अब नमाज पढ़ने का उस वो रिपोर्ट लिखेगा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ट्रैवलर्स के उसमें अकाउंट में, ना पूजा करने उसने लिखा है। तो जिस डॉक्यूमेंट को आप रिलाई कर रहे हैं कि हिंदुओं के बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए, उसी डॉक्यूमेंट को आप मुसलमानों के लिए इस्तेमाल रिलाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो उसकी डिटेल्स जजमेंट पढ़ने के बाद ही मेंशन की जाएंगी, और वो रिव्यू में ग्राउंड में मेंशन की जाएगी अगर हमारे पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ये तय करती है, क्योंकि बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तय किया है कि हमारे वकीलों की टीम और ख़ासतौर से धवन साहब और सीनियर वकला के मशवरे से उनके जजमेंट पढ़ लेने के बाद फिर वो फाइनल डिसीजन देंगे कि रिव्यू फाइल किया जाएगा या नहीं फाइल किया जाएगा। तो इसलिए आज तो हम खाली अपनी राय दे सकते हैं, इससे लगता है कि हम शायद रिव्यू फाइल करें, लेकिन अभी हम फाइनल नहीं कुछ कह सकते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो मुल्क का जो सेकुलर फैब्रिक है उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत यूजफुल हैं। जैसे 1971 के एक्ट को उन्होंने बहुत तारीफ की, जो 1971 का वर्षिप एक्ट है, 91 का जो एक्ट है, जो इसका हमें अंदेशा था, धवन साहब ने बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू किया था कि आपके जजमेंट से वो कमज़ोर में पड़ जाए, तो कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो पोर्शन सुनाए उसमें उसको स्ट्रेंथन किया है। तो ये चीज़ें हैं जो उन्होंने ये भी कहा है कि किसी एक कम्युनिटी का बिलीफ दूसरी कम्युनिटी से सुपीरियर नहीं है, हमारे देश में इक्वलिटी है। ये ऑब्जर्वेशन जो हैं ये जाएंगे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद ऑब्जर्वेशन हैं, जो मुस्तकबिल में पूरे मुल्क को हेल्प करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपसे कहा ना कि उन्होंने सूट नंबर 4 को भी लिमिटेशन से बाहर नहीं माना, पार्टली डिक्री किया, और आउटर कोर्टयार्ड के बारे में हमें ग्रीवांस नहीं है, चूंकि आउटर कोर्टयार्ड का चबूतरा एग्जिस्ट कर रहा था, इनर कोर्टयार्ड के बारे में
उन्होंने ये कहा कि इनर कोर्ट यार्ड में भी चूँकि मुसलमानों का कब्ज़ा 1857 के पहले का एविडेंस नहीं, जो हमारे ख्याल से जो एविडेंस उन्होंने यूज़ किए वो सब रेफर कर रही मस्जिद को, और उस मस्जिद में कोई पूजा पाठ का जिक्र उसमें नहीं। तो अब उसी एविडेंस को जो उसको उन्होंने रिलाई किया है हिंदुओं की आस्था के ताल्लुक से, वही एविडेंस तो मुसलमानों की मस्जिद शो कर रही। तो जब मस्जिद का एग्जिस्टेंस है और मस्जिद किसी और काम के लिए नहीं है, खुद उन्होंने माना है, उन्होंने माना है कि हाँ 16 दिसंबर तक नमाज हुई, उन्होंने माना है कि इस मस्जिद का में सरेंडर नहीं किया गया था, मस्जिद को अबंडन नहीं किया गया था। तो भाई जब मस्जिद है तो नमाज वहाँ तो होगी, 1934 के राघवन भी माने होंगे। तो जब मस्जिद में नमाज हो रही तो उसको दूसरी कम्युनिटी को दे देना, ये हमारे समझ में इंसाफ नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमने आपसे पहले बताया कि मस्जिद की कोई कीमत नहीं, मस्जिद को फरोख्त नहीं किया जा सकता, हमारी मिल्कियत नहीं, मिल्कियत अल्लाह ताला की होती है, लिहाजा उसके बदले में कोई चीज़ देना 5 करोड़ के 500 करोड़ जमीन की भी कोई वैल्यू नहीं। वो उसका इसका मतलब ये है कि हमारे जो कंसेप्ट था उसको समझा नहीं गया। हमारा कंसेप्ट ये नहीं था ज़मीन का, ज़मीन जो डेडिकेटेड है मस्जिद के लिए, जहाँ पर यूज़र था हमने उसको माना है कि हाँ चबूतरे पर उनका यूज़र है, उसके ऊपर जो राइट बनते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ उनका कब्ज़ा नहीं था, माना गया है कि 1949 में मूर्तियाँ रखी गई, जाहिर है वो हाईकोर्ट ने माना था। तो ये सब मानने के बाद भी ज़मीन उनको पूरी दे देना, ये हमारे लिहाज से जस्ट नहीं है। इसी तरह से हम इसको जस्टिस और इक्विटी के कंस में नहीं समझ पा रहे हैं, और आइंदा हम इसके बारे में रिव्यू के बारे में डिमोलिशन को उन्होंने खुद कंडेम किया, डिमोलिशन को कंडेम किया, ये कहा कि मूर्तियाँ रखना भी गलत था, सब चीज़ें कही हैं। यही मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुस्तकबिल में मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हमारा राइट जो चला गया है इस जजमेंट से उसके लिए हमें ज़रूर अभी अपने एफर्ट छोड़ना नहीं है, और हमें उम्मीद है कि हम इसके लिए। तो जफर साहब, तमाम हकाइक दलाइल पेश किए गए, बावजूद इसके आपको लगता है कि जितने भी एविडेंसेस पेश किए गए कि उस पर किसी तरीके का दबाव का फैसला है या कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल हम कुछ नहीं कहेंगे, ये चीज़ें कभी हमने नहीं कही हैं, हमने हाईकोर्ट के बारे में नहीं कहा है, ये आप समझ लीजिए। ये वो लोग कहते हैं दबाव वाली बात जो जजमेंट नहीं मानते, हमने कभी नहीं कहा है किसी फैसले को, हाईकोर्ट के फैसले में हमने कभी नहीं कहा दबाव का है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को पूरी रिस्पेक्ट हमेशा दी है, आज भी दे रहे हैं। जजमेंट से डिसएग्री करना ये हमारा राइट है, लेकिन तो हम उसको डिसएग्री करेंगे रिस्पेक्टफुली, हम कोई चीज़ ऐसी नहीं कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को गिराए, उसकी डिग्निटी को कम करे। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके सारे मुल्क की तवक्कात उससे हैं, और हम उस पर हमें एतमाद है पूरा, हमने हमेशा एतमाद किया है। लेकिन गलती किसी से हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों केसेस में अपने जजमेंट रिव्यू किए हैं, अंधूरे केस में किया है, तो ये तो जजमेंट में गलती हो सकती है जजेस से, उसको रिव्यू करने के लिए हमारा राइट है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी है, सिविल प्रोसीजर कोड में भी है। तो अगर वो हम बोर्ड ने इसको वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया तो हम इंशाल्लाह रिव्यू फाइल करेंगे।